हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हमें ओटोटॉक्सिसिटी के बारे में समझना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओटोटॉक्सिसिटी होता क्या है, तो उसके लिए हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद कुछ ड्रग्स है, तो वो ड्रग्स के ग्रुप है कि जो ओटोटॉक्सिसिटी कराती है, तो उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर ये सब ड्रग्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसके बारे में भी हम देखेंगे अभी, बट सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। तो ओटोटॉक्सिसिटी क्या होती है, तो कि सबसे पहले मैं समझाती हूँ, आप समझ लीजिए कि कुछ ड्रग्स है, ठीक है, कुछ ड्रग्स है कि जो क्या करती है, तो कि हमारे इनर ईयर के अंदर जाके, इनर ईयर के अंदर हमारे जो कोकलिया है, जो वेस्टिब्यूल है, उसको डैमेज करती है। जो ड्रग्स है वो हमारे इनर ईयर को डैमेज करती है, एंड साथ साथ में हमारी जो वेस्टिब्यूल और कोकलियर नर्व है उसको भी डैमेज करती है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, तो कि हियरिंग लॉस होता है, टीनाइटस होता है, एंड बैलेंस डिसऑर्डर्स होते हैं उस इंसान को कि जो ये ड्रग्स ले रहा होता है। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स है जो डैमेज करती है हमारे कोकलिया, वेस्टिब्यूल एंड ये नर्व को, इसकी वजह से ये सब कुछ होता है, तो इसे बोलते हैं ओटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है, तो कि डैमेज कॉज्ड बाय द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन ड्रग्स। सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स है कि जिसकी टॉक्सिक इफेक्ट है उसकी वजह से डैमेज होता है। डैमेज किसको होता है, तो कि जो हमारे कोकलिया है उसको, जो हमारे वेस्टिब्यूल है उसको, या तो कोकलिया को डैमेज करती है, या तो वेस्टिब्यूल को डैमेज करती है, या तो बोथ, इन दोनों को डैमेज करती है, जो हमारे इनर ईयर के पार्ट है उसको। एंड साथ साथ में एक कुछ ड्रग्स है कि जो वेस्टिब्यूल और कोकलियर नर्व को भी डैमेज करती है। ठीक है, तो ये देख ली हमने डेफिनेशन। एंड ये जो डैमेज होता है वो टेम्पररी भी हो सकता है एंड परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, एंड ये जो इनर ईयर के स्ट्रक्चर्स हमारे जो है वो, ये जो नर्व है इनको डैमेज हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो कि हियरिंग लॉस होगा, टीनाइटस होगा एंड बैलेंस डिसऑर्डर्स हो गए। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, ओटोटॉक्सिसिटी की डेफिनेशन कि ओटोटॉक्सिसिटी होती क्या है। ठीक है, अब डेफिनेशन देखने के बाद क्या है कि ये जो ड्रग्स है, ये ड्रग्स के ग्रुप है, तो ये ड्रग्स के ग्रुप के बारे में हमें डिटेल में समझना है, तो हम वो समझेंगे। सबसे पहला ग्रुप है, उसके अंदर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, उसके बाद है लूप डायूरेटिक्स, सेलिसाइलेट्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग एंड आयन चिलेटिंग एजेंट। इसके बाद लास्ट में हम कुछ मिसेलिनियस ड्रग्स भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स के ग्रुप है उसके बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले ये जो ड्रग्स के ग्रुप है, ये ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स है कि जो ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स है, ऑटोटॉक्सिसिटी कराती है वो, फिर उसकी मेकेनिज्म ऑफ एक्शन, कौन से पार्ट को डैमेज करती है एंड उसकी वजह से क्या होगा, ये सब कुछ हमें समझना है। ठीक है, तो ये सब जो ड्रग्स हैं वो ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, एंड ये जो ड्रग है वो कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है, इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एंड इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं, वो हमें बारी बारी से देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो कि हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं ड्रग ग्रुप। ठीक है, कौन से ग्रुप की वो ड्रग है वो, उसके बाद हम उस ड्रग का नाम लिखेंगे कि उस ड्रग के ग्रुप के अंदर कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है, फिर अफेक्टेड पार्ट, उसके बाद हमें लिखना है कि सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं वो। एंड लास्ट में हम लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, तो ड्रग्स के अंदर सबसे पहले हम जो ड्रग्स सीखने वाले हैं वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये एंटीबायोटिक्स है। तो
लिखते हैं यहाँ पे ग्रुप के अंदर सबसे पहला ग्रुप है हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। तो इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स है कि जो ऑटोटॉक्सिक है, तो सबसे पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके बाद है टोबरामाइसिन एंड जेंटामाइसिन, टोबरामाइसिन जेंटामाइसिन, फिर है नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप के अंदर ये सब जो ड्रग्स हैं वो ऑटोटॉक्सिक है एंड वो हमारे इनर ईयर के कौन से पार्ट को डैमेज करती है, तो कि अफेक्टेड पार्ट के अंदर है वेस्टिब्यूल। तो ये तीन ड्रग है वो वेस्टिब्यूल को अफेक्ट करती है एंड बाकी की जो है वो कोक्लिया को डैमेज करती है। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स है वो मेनली वेस्टिब्यूलोटॉक्सिक है एंड बाकी की ये जो तीन ड्रग्स है नियोमाइसिन कैनामाइसिन एंड अमिकासिन ये मेनली कोक्लियोटॉक्सिक ड्रग्स है। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो भी हम अभी जानेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या होने वाले हैं। तो सिम्टम्स के अंदर क्या होगा, तो कि हियरिंग लॉस, टिनिटस, ये हो गए इसके सिम्टम्स। एंड वेस्टिब्यूलोटॉक्सिक जो ये ड्रग्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन टोबरामाइसिन एंड जेंटामाइसिन, तो इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगी, तो कि इट डिस्ट्रॉयज टाइप वन सेल ऑफ क्रिस्टा एम्प्यूलारिस। ये जो ड्रग्स है वो डिस्ट्रॉय करती है किससे, तो कि टाइप वन सेल, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये छोटा सेल है वो टाइप वन सेल, तो कि क्रिस्टा एम्प्यूलारिस के अंदर। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन टोबरामाइसिन जेंटामाइसिन, इन ड्रग्स ये जो ड्रग्स है वो वेस्टिब्यूलोटॉक्सिक है एंड ये उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसके बाद ये जो ड्रग्स है नियोमाइसिन कैनामाइसिन अमिकासिन ये कोक्लियोटॉक्सिक है, तो इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगी, तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये जो हमारे आउटर हेयर सेल है उसका डिस्ट्रक्शन करती है। क्या करती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आउटर हेयर सेल्स। ठीक है, तो ये देख लिया हमने अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में। तो हमारी ये जो ड्रग्स थी उसके अंदर से ये फर्स्ट हमने देख ली। उसके बाद अब हम देखते हैं डायूरेटिक्स, जो लूप डायूरेटिक्स है उसके बारे में। अब हमारी सेकंड नंबर पे जो ड्रग है लूप डायूरेटिक्स उसके बारे में हम देखते हैं। तो सेकंड ग्रुप है हमारा लूप डायूरेटिक्स। तो ये जो ग्रुप है उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, तो सबसे पहली ड्रग है इसके अंदर फ्यूरोसेमाइड। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे इसके अंदर ड्रग है ब्यूमेटेनाइड। ठीक है, एंड थर्ड नंबर के अंदर लूप डायूरेटिक्स के अंदर आती है हमारी इथाक्रैनिक एसिड।
एंड ये जो लूप डायूरेटिक ड्रग्स है हमारी, वो हमारे ईयर के अंदर कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? तो जो कोक्लियर डक्ट है उसको अफेक्ट करती है। तो अफेक्टेड पार्ट के अंदर है कोक्लियर डक्ट। एंड इसकी वजह से सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो कि बायलेटरल सडन सिमेट्रिकल हियरिंग लॉस। बायलेटरल मतलब कि दोनों ईयर के अंदर हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, एंड जो हियरिंग लॉस होगा वो सडन होगा एंड सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, हियरिंग लॉस। एंड हमने अफेक्टेड पार्ट के अंदर बताया कि जो कोक्लियर डक्ट है उसको अफेक्ट करती है ये ड्रग्स। तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है वो देखते हैं हम। तो कि जो स्ट्राया वास्कुलरिस है कोक्लियर डक्ट के अंदर, उसके अंदर इडिमा करती है ये ड्रग्स एंड सिस्टिक चेंजेस करती है। तो क्या करती है ये ड्रग्स? तो कि कोक्लियर डक्ट के अंदर, ये जो अफेक्टेड पार्ट के अंदर कोक्लियर डक्ट बताई हमने, ये कोक्लियर डक्ट के अंदर जो स्ट्राया वास्कुलरिस है उसके अंदर इडिमा एंड सिस्टिक चेंजेस करती है। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स का ग्रुप था उसके अंदर से हमने लूप डायूरेटिक्स के बारे में बात कर ली। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन एंड ये दो ड्रग के बारे में देखा है, एंड बाकी की ये जो चार ड्रग्स है एंड अदर जो कुछ ड्रग्स है उसके बारे में हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।